करने वाले हैं हंग्री बर्ड्स वर्सेस ग्रैंडमा कुकिंग चैलेंज। ग्रैंडमा नहीं, हम लोग मॉम हैं। अरे आप हमारे मॉम हो, बट हमारे बच्चों की तो ग्रैंडमा हो ना। मान जाओ ना। तो आज के चैलेंज में क्या होगा, हम बनाने वाले हैं दो डिश। तो सेम डिश हंग्री बर्ड्स बनाएगा, सेम डिश हमारी मम्मी बनाएगी, यानी ग्रैंडमा बनाएगी। ओके, तो फिर कंपेयर करेंगे हम कि कौन सबसे अच्छा डिश बना पाते हैं। मैं बनाएगा। तो मैं तो बोलता हूं इनका सेटअप ही हटा दो, सेटअप ही हटा दो, इनको कुछ बना नहीं, मत दो। तो चलो फिर चैलेंज चालू करते हैं। ये कैसे डिसाइड करेंगे? वो डिसाइड होगा इस बाउल से। तो सुनो, इस बाउल में से आप एक चीट निकालोगे और हम लोग एक चीट निकालेंगे, ठीक है? और जो भी डिश दोनों को आई वो हम दोनों को बनानी है। तो मेरे पास एक शायरी आई है। क्या शायरी है? के तकिए के साथ होता है गद्दी, तकिए के साथ होता है गद्दी, और खाना बनाएंगे हमारी दद्दी। दद्दी बना दो। हाँ, तो चलो आज जो भी आएगा वही मुझे जिंदगी भर खाना है। तो चलो एक चिट निकालो मम्मी, कोई भी। रुको, आप चीटिंग करोगे। निकालो अभी, कोई ओके। तो मम्मी ने चिट निकाला, रुको हम लोग भी एक चिट निकालते। ये ले निकालते कोई भी। तो आपको क्या आया है बताओ? समोसा। और तुझे क्या है? और हमें आया जेली केक। ओके, तो हम दोनों को मिलके बनाना है समोसा जेली केक। समोसा जेली केक, समोसा अलग और जेली केक अलग। हाँ, ये तो मिक्स कर देंगे। अच्छा, मुझे समोसे का जेली केक का समोसा है। ये सबसे टेस्टी जो बनाएगा वही जीतने वाला है। चलो चलो, तो सुनो, तुम चारों के पास है एक एक प्लेट, तो 40 सेकंड के अंदर तुम्हें सामान कलेक्ट करके यहाँ टेबल पर वापस आना है, ठीक है? सामान? अरे वो खाने बनाने का सामान, कुकिंग वाला सामान। संगीत सुन, क्या करेंगे? जो मम्मी लोग उठा रहे हैं ना वही हम भी उठाएंगे, ठीक है? सब तो पूरा टेबल उठा रहे हैं। प्लान हो गया। 3, 2, 1, भागो। तू जा, मैं पकड़ लेता हूँ। ये उठा लेता हूँ। हमारा दिमाग एकदम राइट चला और हमने सही स्ट्रेटजी यूज की। चलो अब हम तुमको दिखाते हैं हम क्या क्या लाए हैं, ठीक है? हेलो, ये देखो, समोसे पे पड़ता है आलू। हम भी लाए हैं आलू। पर मेरी शायरी तो सुनो, समोसे में पड़ता है आलू और आपकी बहू है दोनों चालू। अरे ये है जीरा और संकेत और मैं है हीरा। हीरा है सदा के लिए। अच्छा, वैसे हल्दी नहीं है अपने पास? हल्दी? अरे हल्दी, हल्दी वाला खाना कौन खाता है यार? मेरी शादी थोड़ी है मेरे को। अरे समोसे में हल्दी चाहिए, गधो। विदाउट हल्दी का खाना बनाएंगे। दो हमारे पास। तो हल्दी खाना बनाने के लिए एक घंटा मिलने वाला भी। एक घंटा मिलेगा? अरे एक घंटा तो बहुत है अक्षत और प्रीति के। हेलो, इतनी बड़बड़ बंद करो, इधर दोनों इधर आओ, हेल्प करो हमारी। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम स्टार्ट्स इन 3, 2, 1। चलो हम पहले ना आलू उबालते हैं समोसे के लिए। हम भी पहले आलू उबालते हैं समोसे के लिए। ये कैसे ऐसे उबाल दिए? ऐसे उबलेंगे आलू। तू खुद बैठ जा इसके ऊपर। नहीं, घर में हूं। आपको जेली केक बनाना आता है? नहीं, मुझे नहीं आता है। मैंने भी कभी नहीं बनाया है। आप लोग अभी जेली केक की रेसिपी बताओगे? हम क्यों बताएं? हम नहीं बताएंगे। अरे रहने दो, इसके पीछे है रेसिपी। हम भी तुम्हारी माँ है। देख आवाज आ रहा है, देख। ठंडा क्यों है? इंडक्शन है ना, इसलिए। क्या हुआ? ऑफ रखा है। कैसे गर्म होगा? अच्छा, इसको ऑन भी करना रहता है। अब मुझे कैसे पता? कल नहीं बनाना है समोसा, आज ही बनाना है।
चल जल्दी चल ये रख दे जल्दी बना दे चल चल ए फ्यू मोमेंट्स लेटर और ये गरम पानी गया जेली के अंदर जेली की खुशबू आ रही है बहुत अच्छी आ रही है मीठी खुशबू वाओ तो अभी ये क्या करेंगे जेली को पूरा भरना है यार फिर रखेंगे इसको संकेत बोल रहा है सर मैं नहीं बोल वो बोल 20 minutes later. चलो आलू उबल गए हैं हाँ तो जेली के लिए पानी गरम कर देते हैं ये कैसे पहले हम लोग फ्रूट्स लगा रहे हैं उसके बाद जेली डालेंगे ताकि जब जेली जम जाएगी ना और हम उसको उल्टा करेंगे तो फ्रूट्स दिखाई देंगे अभी फ्रूट्स काट के हो गए हम लोग ये जेली डाल देते हैं इसमें अच्छा दिखेगा ना हाँ बच्चों से जीतना चाहिए ना तो ये जेली मिक्स को प्रीति ने रेडी कर दिया है अभी इसे सेट होने के लिए रख दे फ्रिज के अंदर ना फ्रिज के अंदर ही रखना फ्रीजर में रखना है फ्रिज में रखना है फ्रिज के अंदर देख रहा है काम कर छिल के खाना है खाना नहीं है संकेत मसाला बनाना उसका बात क्या छिल है क्या बात ये ताली हो जाए क्या बात है ये मम्मी किधर जा रही है इसको जमाने के लिए ताली बजाओ संकेत ने काम किया है ये अभी क्या करना है अरे इसको मैश करते हैं ना पूरी तरीके से नहीं नहीं एक काम करते हैं कि वो समोसे के लिए जो ऊपर रहता है ना उसका वो कवर कवर अरे मैं लाया उसके लिए देख मैं बेसन लाया उसके लिए रुक ये देख बेसन लाया बेसन का कवर ले लाया तू पागल है क्या वड़ा पाव और समोसा उसमें फर्क नहीं समझ में आता है तुझे तो क्या है क्या समोसा क्या अरे समोसे के लिए तो मैदा मैदा चाहिए होता है बेसन नहीं कुछ भी मत बोल बेसन के भी पकोड़े होते हैं अरे बना देंगे ना किसको पता चलता है कि बेसन डाल के मैदा हम ही खाने वाले मुझे लगता है आप हमें वड़ा पाव का वड़ा बनाना पड़ेगा वड़ा पाव बोलते हैं ये समोसा पाव है हमें तेरी मम्मी है बाजू में खड़ी है ना वो अ फ्यू इंचेस लेटर आलू तो हो गए अभी निकालना पड़ेगा जीरा डाल दिया है जीरा ने सुना अपन जो वो ग्राउंडनट लाया वो भी डाल दिया इसमें ग्राउंडनट मजा आएगा अरे समोसे में मटर होता है मटर सिंगदाना में बोलेगी तुझे इन लोग गलत सामान ले आए इनको मालूम नहीं है रे कुछ ये चाट मसाला है ना यार ग्राउंडनट डाल इसके अंदर मैं क्या बोलता हूं तुझे पता है मुझे पता है पर समोसे को थोड़ी पता है उसके अंदर सिंगदाना तो काम कर फिर जेम्स भी डाल दे अरे कितने डाल इसमें अक्षरा वो डन नमक डालो थोड़ा मसाला भी डाल दे अरे प्रीति कलर कैसा लग रहा है यार हल्दी चाहिए अरे इसमें यार अरे इसमें हल्दी चाहिए तो हल्दी कहाँ से लाए नहीं यार हल्दी उनके पास है ना तो तुम दोनों की तो मम्मी है मांग लो जाओ लेके आओ मिशन हल्दी फॉर्मूला नंबर 420 चलो टैंग हल्दी तो मिला नहीं इससे काम चलो धनिया और मिर्ची इससे काम चलो अरे मिर्ची और डालो भगवान हमें समझना तुम्हारी तरह चाहिए एकदम अभी अभी मुझे बता ये जो है ना ये इतना मसाला हाँ? किससे बनाऊं इसके ऊपर क्या बनाऊं कुछ भी बनाना यार क्यों जान खा रही है यार समोसे का कवर बोल रही है जेम्स के जेम्स खाने का अरे काश तुम्हारी मम्मियों ने ना तुम्हें कुछ घर का काम सिखाया होता मम्मी मम्मी डांट रही है हम दोनों से बोलते तुम आपने हमको घर का काम नहीं सिखाया था बोल रही है डांट रही है तुम लोग सिखाओ अभी यार मम्मी साइड ही नहीं ले रही अपनी एक संकेत यार आज दिखाई दे चल मैं आलू मैश करता हूं मैश ऑलरेडी हो चुका है मसाला बन चुका है काम करता तो करने नहीं देते ना संकेत इसलिए आपको रुका एक मिनट एक काम कर इसके अंदर हम डालेंगे तेल और अब हम ये तलेंगे चलो ठीक है तल
ये देखो हमने क्या आइडिया लगाया। हमने कुछ आइडिया नहीं लगाया, हमने समोसे के शेप का आलू बना। आलू ही भाई, वो वैसे ना पूरा फूट जाएगा उसके अंदर जाके। हमारा 30 मिनट्स हो चुका है, भगवान जाने क्या बनने वाला है। वही कौन से ग्रह का समोसा है पता नहीं। थैंक्स टू उमेश, थैंक्स संकेत। ये जो इतना टेस्टी और इनोवेटिव समोसा होने वाला है किसी ने देखा नहीं। हां डाल डाल बेसन, क्या है वो बेसन ना, बेसन में डाल दो वो समोसा ना, हम ही खाने वाले हैं। ये हम लोग की रोटी तो रेडी हो गई है। हाँ। मैं आपको काट के देती हूँ, आप इसमें मसाला बता रहे। क्या मसाला, कितना टाइम लगता है आप लोग को? क्या रोटी रोटी बनाते हो? ये देखो हमारा, ओ हेलो, ये देखो हमारा समोसा रेडी हो गया। समोसा पकोड़ा, ये समोसा है, समोसे का पकोड़ा। आप मुझे एक बात बताओ, यूएसए कभी गए हो? नहीं गए हो ना? यूएसए में ऐसी समोसा मिलता है? मुझे मुझे लग रहा है ये हमें ही खाना पड़ने वाला है यार। मैं तुम्हें अभी भी बोल रही, ये झंडा लहराते हैं हम लोग। नहीं, दोनों टीम के समोसे रेडी हो गए, जेली भी रेडी हो गया, पर डेकोरेशन तो बाकी है ना। यस, ये देखो ये हमारे समोसे। मैं अभी भी बोल रही हूँ, इसे दिखाते ऐसे झंडा लहराते। नहीं, जेली वाला, जेली वाला केक आएगा। सही दिख रहा है यार, ये समोसे और ये जेली केक कौन होगा। तो फाइनली दोनों टीम के जेली केक और समोसे रेडी हो गए हैं। ये रहा टीम हंग्री बर्ड्स का जेली केक और समोसा, और ये रहा टीम दादियों का जेली केक एंड समोसा। तो ये चारों डिश एक्चुअली टेस्ट करने के लिए हमने बुलाए हैं खास मास्टर शेफ। ये वाली चीटिंग 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 करता है तू। बिक चुके हैं। इसके लिए मुझे फिर से खाना होगा। आप खाते रहो, आप खाते रहो, पर डिसीजन आपने दे दिया है। और मुझे जो केक जो आपने बनाया है, जिसको आपने केक का शेप दिया है, उसके मुकाबले मुझे जेली पसंद आती है। ये पक्का निर्णय है। देखिए विनर तो मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं कर पाऊंगा। ये है, लेकिन हमें ना बच्चों से हारने में भी ज्यादा खुशी हो रही है। ये सब बोलना पड़ता है, ये सब बोलना पड़ता है। तुझे नहीं मारने वाली है, तेरे पापा को मारने वाली है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल में नए तो सब्सक्राइब करना। yes! तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय करो, बाय 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 बाय।